अभी तो कहते कहते कहाँ तक चले जाएंगे, घर में कोई बच्चा होते ही भी न कहने की बीजेपी की वजह से हो रहा है, कुछ बात हो तो बीजेपी के ऊपर है। बहुत अच्छा हो गया तो वो लोग कर रहे हैं, अब कुछ खराब हुआ तो बीजेपी कर रही है। यह लोग अपने खिचड़ी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लकड़ी के हंडी पर खिचड़ी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा पता ना। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। पटना पहुंचे बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने एक बार फिर से राजद और लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा है। साफ कहा है कि जब कुछ भी हो जाता है तो ये कहते हैं कि बीजेपी ने कराया, कहीं अब इनके घर में बच्चा हो जाए तो ये ना कहें कि ये भी बीजेपी ने कराया। देखिए बोलते बोलते क्या कह गए बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, पूरा बयान सुने आप। सर, बीते दिन जिस तरीके से सुल्तानगंज खगड़िया का जो पुल गिरा है, अब सरकार कह रही है कि कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कैसे देखते हैं? देखिए, यह सरकार हमें लगता है कि किस तरीका से कार्रवाई करने की बात कर रही है उसके क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, या फिर अगर वह पुल अपना उम्र बिता चुका है तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। यह एक गंभीर बात है, गंभीर मामला है, और इस मामले को बहुत साधारण तरीका से देखना नहीं चाहिए जी। और इसको अगर हम माने अगर गंभीरता से देखेंगे तो फिर ऐसी घटनाओं से निजात पा सकते हैं, ऐसी घटनाएं न घटेंगी। लेकिन तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ने ही गिरा दिया है पुल, बीजेपी ही गिरवाई है पुल। वो तो उसको कहा कि अगर कुछ बात हो तो बीजेपी के ऊपर है, बहुत अच्छा हो गया तो वो लोग कर रहे हैं, अब कुछ खराब हुआ तो बीजेपी कर रही है। अभी तो कहते कहते कहाँ तक चले जाएंगे, घर में कोई बच्चा होते ही भी न कहने की बीजेपी की वजह से हो रहा है, कहीं कुछ कह सकते हैं ये लोग। एक आखिरी सवाल है, विपक्ष की बैठक आगामी 12 जून को बिहार में होनी थी लेकिन उसको अब कैंसिल कर दिया गया, नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि आने वाले अगला तिथि को होगा, क्या लग रहा है कि विपक्ष की बैठक सफल होगी? सवाल ही नहीं उठता है, मैंने पहले ही आपने देख लिया 12 को ही एकदम ढिढोरा पीट रहे थे घूम घूम कर करके पूरे देश में, हर जगह आग्रह विनती कि आप मेरे यहाँ आइए मेरे यहाँ आइए। 12 बीत गया, कई एक पार्टियों ने कहा कि मैं नहीं आने वाला हूँ, आपको पता ही होगा कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कह दिया, केजरीवाल ने स्पष्ट रूप से कह दिया, ममता स्पष्ट रूप से कह रही है, ममता कह रही आपके बुलाने पर मैं क्यों आऊँगा, मैं बहुमत वाली सरकार चलाती हूँ मैं आऊँगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं दो स्टेट में सरकार चलाता हूँ इसे मैं क्यों आपके कहने से आऊँगा। KCR कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो वहाँ का और मजबूत सरकार वाला हूँ तो मैं क्यों आऊँगा, आप तो अल्पमत में हमेशा रह करके आप भाग्य भरोसे मुख्यमंत्री हैं तो आपके बुलावे पर मैं क्यों आऊँगा। यही बड़ा विडम्बना है, नहीं लग रहा है कि सफल हो पाएगा, सवाल ही नहीं उठता है। विपक्ष का सफलता का तो कोई सवाल दूर दूर तक नहीं उठता है जी। यह लोग अपने खिचड़ी बनाने का प्रयास कर रहे हैं जी। लेकिन लकड़ी के हंडी पर खिचड़ी बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा पता ना, वही बता पाएंगे। तो आपने साफ सुना किस तरीके से नीतीश कुमार का विरोध करते करते, तेजस्वी यादव का विरोध करते करते साफ कहते चले गए कि कहीं इनके घर में अब बच्चा पैदा हो तो ये ना कह दें कि ये भी बीजेपी ने ही कराया है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से लगातार आगामी 12 जून को विपक्ष की बैठक बिहार में होनी थी जिसको रद्द कर दिया गया, उसको लेकर साफ कहा है कि कुछ भी कर लें विपक्ष की बैठक सफल नहीं होगी, और जिस तरीके से लगातार विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की कोशिश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की जा रही थी ये सफल नहीं होगा, सभी नेताओं ने इन्हें अपना नेता मानने से इनकार कर दिया है। वहीं लालू परिवार पर यह भी कह दिया है कि अगर इनके घर में बच्चा होगा तो कहीं ये ना कह दें कि ये भी बीजेपी ने ही कराया। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।